आप देख रहे हैं PNTV और मैं हूं गौरव खन्ना और ये हैं आकांक्षा चबोला। देखते रहिए, मजा करते रहिए। पीछे का एलईडी फ्री करेगा तो सब सही। हाँ, वो बन जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप शर्मा रही प्लीज खाना खा के जाइएगा। नहीं, आप हमारे अनुपमा सेट पे हैं और आज अनुपमा क्रू की तरफ से और राजन सर की तरफ से ये इफ्तारी पार्टी है टू ऑल द DKP मेंबर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सारे दोस्त मिल रहे हैं। खा के जाना। नहीं, पिछले साल तो खाना ही नहीं खा पाई बेचारी। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि पिछले जन्म के कर्म होते हैं एंड आई बिलीव कि आपके पिछले जन्म की जितनी अच्छाइयाँ होती हैं वो आपको इस जन्म में मिलती हैं एंड आई फील मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली जो मुझसे प्यार भी करती है, मेरा मजाक भी उड़ाती है, मुझे डांटती भी है, मुझे ज़मीन पे भी रखती है और मुझे तारीफ करके मेरा हौसला भी बढ़ाती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि जैसे कई बार होता ना, अगर बहुत ज़्यादा मिठास हो जाए किसी स्वीट डिश में तो आप खा नहीं सकते, हर चीज़ बराबर होनी चाहिए एंड आई फील वेरी हैप्पी कि ये वो है जिसमें सब कुछ बराबर है। कई बार डांट और मजाक ज्यादा होता है बट आई एम अप फॉर इट, लव मैरिज। कंप्लेन लग रही थी, ये तारीफ नहीं लग रहा था, बहुत कम सिर्फ कंप्लेन लग रहा था, देख लिया। ये लीप के बाद का अनुज है। मैंने तो कोई दुआ तो नहीं की थी बट आई एम श्योर मिल गया तो मिल गया, अब मिल गया, हमें काम चला लेंगे, सह लेंगे थोड़ा। आई एम लकी, क्या बोलूं मैं। हम यहीं पे करते हैं क्योंकि एज एन एक्टर हमें बड़ी कम छुट्टियां मिलती हैं एंड आज भी मैं, रूपाली जी और वकार और हम दो तीन और एक्टर हम सुबह से शूट कर रहे थे 7 to 7। बाकियों की शायद छुट्टी थी लेकिन हम लोग शूट कर रहे थे क्योंकि हमारे सीक्वेंसेस जो हैं वो टेलीकास्ट के फंसे हुए थे और तो रही बात कि बाहर जाना और बाकियों से मिल पाना बड़ा कम हो पाता है टीवी में बिकॉज हमारा शो 30 मिनट्स आता है एवरी डे 7 days a week तो हमें काफ़ी सॉफ्टवेयर शूट करना पड़ता है। बिल्डिंग तो हम लोग नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, गौरव को जब टाइम मिलता है आई जॉइन लेट ऑन ईद के टाइम पे, आई थिंक गौरव हमेशा होता है। हां एक्चुअली आई नो वी सेलिब्रेट ईद एक्चुअली, या तो ईद इफ्तार पार्टी उतनी नहीं हो पाती बट है, बट ईद डेफिनेटली हो गई, दिवाली हो गई, दिवाली हो गई, गणपति हो गया, वो टाइम पे वी मीट अ लॉट ऑफ वी मीट फ्रेंड्स। मुझे लगा वो पूछ रही है टेलीविजन में प्यार मिलता है, रियल लाइफ में मिलता है कि नहीं। ये एपिक होगा। इसका मैं क्या ही जवाब दूं? रियल लाइफ में क्या आपको इतना प्यार मिलता है गौरव? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलता है और मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप घर पे खुश हैं तभी आप कोई ऐसा किरदार प्ले करते हैं जिससे आप दुनिया में खुशी बांट पाए। जब तक हीरे के अंदर खुद चमक ना हो वो दुनिया को नहीं जगमगा सकता एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट। नहीं था एग्जैक्टली, अगर मेरी बात की तह तक जाएंगे तो मेरी बात का जवाब मिल जाएगा कि मैं घर पे खुश हूँ इसीलिए, समझे, इसीलिए आई रिपीट फॉर दिस वेरी रीजन। घर पे खुश मेरे वजह से हो, स्पार्की के वजह से हो, रिया के वजह से हो, किसके वजह से खुश हो मेंशन करो। आई थिंक आकांक्षा की वजह से, थैंक यू भाई, इसकी वजह से पार्टी होती है एंड ऑल थैंक। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये हमारे RF शेख और इन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया है और ये छोटे जूनियर RF हैं और मैं इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा इनका करना चाहता हूँ कि ये जितना अरेंजमेंट हम सब यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, इस आदमी की वजह से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाभी जी, थैंक यू। हेलो, हेलो स्मार्टी,
ये क्यूट है यार। लेकिन मैं लास्ट में जाना चाहूंगी, बस्तर भाई शो आ रहे हैं, अगर बात करूं तो आप रियलिटी के रियलिटी शो को आप करना पसंद करोगे? मैं सारे रियलिटी शो करना पसंद करूंगा, मैं होस्टिंग करना बहुत पसंद करूंगा, बिकॉज आई लव होस्टिंग, आई लव बीइंग ऑन स्टेज, एंड गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू डू एवरीथिंग। यार मैं तो न्यूज भी पढ़ना पसंद करूंगा यार, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, एनीथिंग व्हिच रिक्वायर्स एक्टिंग आई वुड लव टू डू इट, एंड व्हाई नॉट यार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, कोई सुन रहा है तो। लेकिन किसने आपको होस्टिंग करना पसंद है? सारे 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 शोज यार, आई लव, कोई भी होस्टिंग दो यार, मैं आप बोलो तो आपका शो होस्ट कर देता हूँ। ओके प्लीज, कौन सा गुड न्यूज? गुड न्यूज तो जब अक्षय कुमार की फिल्म आई थी बस तभी थी, उसके बाद तो न्यूज आ रही है ना। वो भी जल्द आपको जो भी होगा, बस आप लोग प्यार बना, गुड न्यूज दे रही हूँ गौरव को, बहुत ज्यादा जो बीवी से करे प्यार, वो बीवी की बातों से कैसे करे इनकार। थैंक यू सो मच।